बॉलीवुड कॉकटेल। अक्षय कुमार जहां अपनी रजनीकांत के साथ की फिल्म 2.0 के फीडबैक के लिए दर्शकों से प्रेज पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार को ट्रोल भी किया जा रहा है। इस ट्रोलिंग के लिए अक्षय खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो उनके फैंस को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यूं तो अक्षय कुमार इंडिया की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर अपनी मोस्ट ऑफ द फिल्में आजकल बना रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अक्षय कुमार सोशल अवेयरनेस फैलाने में कहीं भी पीछे नहीं रहते। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर ये कहा है कि कनाडा ही मेरा घर है, जब भी मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिटायर करूंगा मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी के साथ यहीं शिफ्ट करूंगा। ये बात सुनकर उनके फैंस उनसे बेहद ही नाराज हैं और उनकी इस बात से उनके फैंस उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें बता दें, अक्षय कुमार इंडियन सिटीजनशिप यानी कि भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि अक्षय कुमार को कनाडियन सिटीजनशिप मिली हुई है। अक्षय कुमार की इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस उन्हें बहुत ही ट्रोल कर रहे हैं, जहां पीछे नसरुद्दीन शाह के एक कंट्रोवर्शियल कमेंट पर लोग उन्हें उनकी देशभक्ति पर क्वेश्चन कर रहे थे। वहीं अब दर्शक अक्षय कुमार को नसरुद्दीन शाह से तुलना कहते हुए कह रहे हैं कि नसरुद्दीन शाह से ज्यादा तो अक्षय कुमार इस देश के नहीं हैं। हालांकि वो सारा कुछ यहीं पर कमा रहे हैं और इंडिया से कमाए हुए पैसे को वो कहते हैं कि वो टोरंटो में जाकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि देशभक्ति के नाम पर आप यहाँ सीमेंट बेच रहे हो। अक्षय कुमार की ये वीडियो जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ये वीडियो बेहद ही पुराना है, लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरे यूजर ने अक्षय कुमार को ये भी कह दिया कि तुम भी नीरव मोदी की तरह हो, जिसने पैसा तो हमारे देश में बनाया लेकिन अब लंदन में उड़ा रहा है। ये सारी देशभक्ति सिर्फ फिल्म रिलीज के समय ही दिखती है। कुछ लोगों ने तो अक्षय कुमार को गद्दार तक कह डाला। वेल, देखना होगा कि अक्षय कुमार इस पुराने गड़े हुए मुर्दे के उखड़ने के बाद इस सवाल पर क्या जवाब देते हैं या फिर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम मिस कॉकटेल फॉर नाउ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू हैव एवरी सिप ऑफ बॉलीवुड कॉकटेल।